भैया क्या हुआ था? साहब मैं अच्छे परिवार से बिलोन सर 2019 में सर 2019 में सेवा डलता यहाँ सिसराम स्थली में अधिवेशन हुआ था 35 साल बाद 2019 में 10 फरवरी से लेते 14 फरवरी तक मेरा काम था। मैंने 2.5 लाख आदमी को थाने चलाया था, तय हुआ था मेरा। रघु शर्मा जी ने भी मुझे आश्वासन दिया था, मेरे पास सारे सबूत है। 71 लाख में तय हुआ था, 35 लाख रुपए दिए, 36 लाख रुपए बाकी है। मुझे 2 साल से परेशान किया जा रहा है, मैं ब्याज भर भरते बर्बाद हो चुका हूँ। एंड में मुझे ऐसा लगता है मुझे सुसाइड करना पड़ेगा, इतना परेशान हूँ। ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है, ये कांग्रेस वाले मुझे नचाते हैं, इधर उधर रोड डेली बुलाते हैं। जयपुर में 10 बार जाया, गहलोत जी तो ज्ञापन दिया आया, रघु शर्मा जी तो ज्ञापन दिया आया, पहले भी न्यूज में आ रहता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, इतना परेशान हो चुका हूँ मैं। कुछ होता है मैं आत्महत्या करता हूँ, इतना जिम्मेदार रघु शर्मा जी, हेम सिंह जी और ये अपने ये लाल जी ऐसा ही रहेंगे। रात पारित जीते वही मालूम है पूरा, और शहर के सारे अन्य व्यापारी और MLA सब तो मालूम है। मैं पैसे मानता हूँ और मेरे पास पूरा सबूत है। रिसोर्डिन भी है, रघु शर्मा जी थी, लालजी देसाई थी, सब चीज रिसोर्डिन है मेरे पास। आप चाहे तो मैं मीडिया पे ओपन कर सकता हूँ ये चीज। अच्छा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। अभी मिले थे, उन्होंने क्या कहा? बोले देंगे। अभी बोले तुम ज्यादा पैसे ले तो काम करवाने के बाद थाना था लिया, फिर उसके बाद बोल रहे पैसे डबल ले लिए। ये नीयत है कांग्रेस की, थाना डालो पैसे मत दो। ये ऐसी चोर पना चलती है कांग्रेस पार्टी है, ऐसे उठाई दे रहे कांग्रेस पार्टी, ऐसे मोदी जी पे बोल जाते आलोक। ये तो थाने थाते पैसे थाते कांग्रेस ही, 2 साल से पागल बना रहे मुझे। कहाँ पर है आपकी दुकान? मराज पे है, ठंडेलवाल के नाम से मेरा 13 का बिजनेस है। हाँ, हलवाई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा मन्नू ठंडेलवाल, वैसे मिलिंद नाम से जानते सब। धन्यवाद सर।